हे फ्रेंड्स, सो आज हम लोग बनाने वाले जैन चीज़ अंगूरी। बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यमी लगता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लौकी ली है। इसमें हम लोग 6 टमाटर के पीसेस ऐड करेंगे। फिर इसमें कैप्सिकम डालेंगे 1 बॉल जितने। अब इसमें 1 टीस्पून जितना जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। फिर 2 टेबलस्पून जितना मगजदरी। मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर पानी में भिगो दिया है 10 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे। फिर इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। फिर इसमें हम लोग खड़ा मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने तज, मरी एंड लविंग का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हम अब 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अब इसमें हम लोग 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे। ये मिक्सचर अब रेडी हो गया है, तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम लोग कुकर में रख देंगे 4 से 5 विसल होने तक। कुक होने के बाद इसे ठंडा कर देंगे और मिक्सचर में ग्राइंड कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं, ग्रेवी रेडी हो गई है। अब एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना बटर ऐड करेंगे। वन टीस्पून जितना हींग ऐड करेंगे। अब सारी ग्रेवी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब इसमें हम लोग रेड चिली पेस्ट जो हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर ऐड करेंगे। फिर 1 टीस्पून जितना पंजाबी ग्रेवी मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। अब ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी को हम अब कुक करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट ना हो जाए। इसमें हम 4 से 5 ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप कुकिंग क्रीम डालेंगे। अगर ना हो तो घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कुक होने के लिए रख देंगे। अब इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये ग्रेवी हमारी रेडी है। जब हम लोग सर्व करेंगे तब इसमें चीज़ क्यूब डालेंगे। और ये आपकी सब्जी रेडी हो गई है, जैन चीज़ अंगूरी। सब्जी रेडी हो गई है। अब आप इसे बटर रोटी या चपाती के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यमी लगता है ये, एंड जल्दी ही बन जाता है। I hope you like my recipe and thank you so much for watching and please do subscribe to my channel. Bye, take care.